प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो नब्बे परसेंट लोगों के लिए तो कोई काम ही नहीं है ना होना है और धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है तीन परसेंट से कम लोग हैं जो आईटीआर भर रहे हैं तो कितने लोगों का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब खत्म हो रही है सर्विस में जॉब खत्म हो रही है एग्रीकल्चर में जरूरत नहीं रही है अब नब्बे परसेंट लोगों की और लास्ट हमारे डिफेंस सेक्टर आया था डिफेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डिफेंस से लोगों को निकाला जाएगा लोगों ने बड़ा बोला कभी नहीं निकाला जाएगा डिफेंस की तो सरकारी जॉब होती है सर उसके बीस बाईस दिन के बाद एक आर्टिकल आ गया था एक लाख पैंतीस हजार लोगों को निकालेंगे प्रैक्टिकल यही है सर आपको पता आज हमारे यहाँ की आर्मी को अगर अस्सी हम खत्म कम कर दे अस्सी अगर हमारी आर्मी निकाल दें तो हमारे आ, हमारे पास इतना पैसा बच जाएगा कि हमारी 20% आर्मी को हम वो रिसोर्सेज दे सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे सुपर मतलब एक hmm. तरीके से मतलब आर्मी बन जाएगी मतलब सबसे ज्यादा बेहतरीन एडवांस लेवल के उनके पास वेपन्स होंगे hmm. बट ये right. हम नहीं कर सकते क्योंकि 80 को निकालेंगे तो जिन्होंने वहां बंदूक कर रखे हो यहां कर लेंगे <laughs> कैसे निकालेंगे तो हम फंसे हुए हैं तो इसलिए हम hmm. क्या कर रहे हैं धीरे 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 करके निकाल रहा और आर्मी ने बोला एक लाख पैतीस हजार को निकाल रही धीरे धीरे करके उनको निकालना पड़ेगा अस्सी परसेंट लोगों को आर्मी से भी निकालना पड़ेगा सर Wonderful. क्योंकि इंसान है ना मर जाता है और ये तो सारी की सारी जो आ, सारी के सारे जो क्षेत्र हैं ये डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आ सकते हैं आना ही पड़ेगा कोई और सेक्टर नहीं ना मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एग्रीकल्चर और ये आपका डिफेंस या कोई भी आप सेक्टर ले लो हर जगह टेक्नोलॉजी लोगों को निकाल रही है इकलौता ऐसा सेक्टर है जो बाहें फैला के खड़ा है किसी भी सेक्टर के हो आप ना आपकी पढ़ाई लिखाई से मतलब अनपढ़ भी आ सकता है पढ़ा लिखा भी आ सकता है लेडीज भी आ सकती है जेंट्स भी आ सकते हैं बच्चे भी आ सकते हैं बुजुर्ग भी आ सकते हैं हर सेक्टर को ये बाहें फैला के खड़ा है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ मतलब तो में डायरेक्ट सेलर आज का इंटरव्यू देख के बड़े एक्साइटेड हो जाए कि हमारे पास में बहुत सारा स्कोप है बहुत सारे लोग आने वाले हैं सर बहुत ही ज्यादा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग ही मैं हमेशा से बोलता हूँ की वो बच्चा है जो आने वाले टाइम में इस पूरे के पूरे देश का भार संभालेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं है और इसलिए मेरा कंसर्न भी हो जाता है क्यों मैं सोच चैनल पे हम ट्राई करते हैं हमारा पूरा का पूरा रहता है मेन चीज की एजुकेट करें और क्यों हमें आ, मतलब कंपनीज को भी एक्सपोज करना पड़ता है क्योंकि सर हमारा यूथ जा रहा है सर हमारा देश नेशन हमारा बिल्ड हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम इस 90 परसेंट जो नेशन बिल्डिंग के लिए जो यूथ जा रहा है इसको हम गलत डायरेक्शन में कैसे जाने दें सर कैसे हम अपनी आंखें बंद

इसको कोई झुठला नहीं सकता बहुत डिटेल आपने जानकारी दी और इसी प्रकार से आप एजुकेट करते रहिए अपने चैनल के माध्यम से आज आपने समय निकाला सर हमारे व्यूवर्स की तरफ से बहुत बहुत आभार थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर और बहुत अच्छा लगा सर मेरे